और शिकारीपाड़ा में विश्व देश साहिब भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। आप ही उनसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, बंधु हमें बताने आए हैं कि अभी का जो लोकसभा का चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो प्रमाणित कर रहा है आप लोगों का, इतनी धूप में भी भारी संख्या में आए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिले। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब आदमी ही गरीब का सुख दुख को जानता है और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और रात और दिन उनका सुख और दुख का वो चिंता करते हैं और कोई उनका काम नहीं है, खाली 140 करोड़ भारतवासियों का सुख दुख का चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, आप लोग 10 साल उनका काम को देखे हैं, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान देने का काम, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, शौचालय निर्माण का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब काम 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने किया है। लेकिन जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जैसे आपके यहाँ भी नहीं है, तो वहां पर मोदी जी के काम को ठीक से जनता तक पहुंचाते नहीं। यहाँ पे हमको मालूम है कई काम ठीक से नहीं पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री आवास ये नहीं पहुंच रहा है, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था हमारे मोदी जी की है ताकि गरीब लोग भी बड़ी बीमारी हो जाए तो बड़े बड़े अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में भी जाए, लेकिन वो सबका भी लाभ यहाँ पर मिल नहीं रहा है। और 6 महीना बाद यहाँ पर विधानसभा का भी चुनाव है, तो उस समय डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उसका बहुत फायदा होगा। और अभी का चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, 10 साल में गरीबों का काम हुआ, राम भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, ये भी मोदी जी के कारण हुआ है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है, कांग्रेसी लोग बोलते थे कि तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन मोदी जी के कारण धारा 370 हट गया, कहीं कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। आज कोई भी प्रदेश का आदमी, कोई भी गांव का आदमी वहां जाके जमीन खरीद सकता है, नहीं तो धारा 370 जब वहां था तो दूसरे प्रदेश के कोई लोग वहां पर 1 इंच जमीन खरीद नहीं सकते थे। आप सब लोगों को मालूम है कि पहले कैसे पाकिस्तान के लोग इधर पबकी करते थे, कैसे हमारे देश के सैनिकों का सिर कलम करके फुटबॉल जैसे वहां के सैनिक लोग खेले थे, लेकिन उस समय की जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, खाली शांति वार्ता करके बात खत्म कर देते थे। लेकिन जब मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हुए, मजबूत प्रधानमंत्री हुए, पाकिस्तान थोड़ा सा आग दिखाने का प्रयास किया, तो ये स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, दो ही बार के स्ट्राइक में पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया, आज तब से गिदड़ भक्ति बंद कर दिया। तो ये मजबूत प्रधानमंत्री बनने से होता है। और बंधुओं, हम लोगों को देश को और आगे ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत दुनिया में हमारे देश को बनाना है, और ये सब काम नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए ये चुनाव का बड़ा महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी ये दुमका लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती सीता सोरेन को हमारे प्रधानमंत्री जी प्रत्याशी बनाए हैं। आप सब लोगों से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि आने वाला 1 तारीख को आप सबका आशीर्वाद श्रीमती सीता सोरेन को मिले, आप सबका बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले, सीता सोरेन यहाँ से सांसद बन के जाए और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो
बन ही रहे हैं, लेकिन एक दुमका लोकसभा क्षेत्र का भी सहयोग उसमें होना चाहिए, आपके एक एक वोट का भी वहां सहयोग होना चाहिए, एक एक मतदाता का भी सहयोग होना चाहिए। और यहाँ पर जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई दोनों है कि नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, खाली लूटने का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ बना है, लेकिन अगर हम विकास की दृष्टि से देखते हैं तो झारखंड पीछे हो गया है, नहीं तो दोनों राज्य एक जैसा है। दोनों राज्य में खनिज संपदा भरपूर है, कोयला है, लोहा है, सोना चांदी सब कुछ है, वनोपज है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की धरती माटी है। आप सब लोग मेहनत कश किसान है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं होने के कारण, कांग्रेस और जेएमएम के हाथ में सरकार जाने के कारण यहाँ भारत सरकार का योजना का भी लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये तो खाली लूटने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है आज वो जेल के अंदर में है, आज वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहा है, और वो पूरी जनता के भलाई के लिए जेल के अंदर में नहीं है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर में है। इससे और दुर्भाग्य झारखंड की जनता के लिए और क्या हो सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ की जनता की गाढ़ी कमाई, खून पसीना की कमाई को लोग लूटने में लगे हुए हैं। इस सरकार का एक मंत्री और क्या आलमगीर आलम उसके पीए के नौकर के यहाँ 3700 करोड़ रुपया मिलता है, पीए के नौकर के यहाँ। ये कितना दुर्भाग्य की बात, कांग्रेस का एक सांसद धीरज कुमार उसके घर में छापा पड़ता है तो 350 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।